माइक का क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है। माइक का टेस्ट करने के लिए मैं राइट पे निकला था, लेकिन तब क्या हुआ, बिल्कुल भी वॉइस नहीं आया। कल लगा के मैं निकल गया था राइट पे, लेकिन कल तो कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड हुआ नहीं, इसलिए आज रॉन्ग टोन आया हूँ फिर से। सबसे पहले ये गया माइक, और ये कुछ एक्सेसरीज, और भी बहुत सारे हैं अंदर। सो एक्सेसरीज तो बहुत सारे आए हैं, और ये सब एक्सेसरीज जो कि सभी GoPro के GoPro से रिलेटेड है, ये सारे, ये एक बॉक्स। सो ये जितने भी सारे एक्सेसरीज तुम लोग देख रहे हो, ये कभी ना कभी काम आएंगे। एंड ये जितने भी सारे एक्सेसरीज है, इसको लेके, इन सब को लेके एक दिन अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि तुम लोग को दिखाऊंगा कि कौन सा एक्सेसरीज कब कब काम आता है और किस के लिए काम आता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए ये जो मोआनो का जो ये माइक है, इस माइक का मैं रिव्यू करूंगा और तुम लोग को दिखाऊंगा इसका ऑडियो क्वालिटी क्या है ना है, मतलब कैसा है ना है। और उससे पहले तुम लोग को एक बार बॉक्स खोल के दिखा देता हूँ, बॉक्स के अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे बहुत एक्सेसरीज है। ये कुछ एक्सेसरीज, इसमें GoPro नहीं है, ये इसमें मैंने GoPro पहले से ऐड करके रखा है, मतलब ये कवर अच्छा है GoPro रखने के लिए, GoPro मेमोरी कार्ड्स एंड बैटरीज इन सब के लिए मैंने, जिस नॉर्मली ये GoPro के लिए खास करके मुझे एक कवर चाहिए था, ये छोटा सा बैग जो कि इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी स्टिकर्स, मतलब माउंट वाले जो स्टिकर्स होते हैं वो है, स्क्रूज है, बहुत सारे माउंट्स है, जे माउंट्स है, एंड इसमें भी एक छोटा सा स्ट्रैप, एंड बहुत सारे, ये क्या है पता नहीं, लेकिन ये कार पे माउंट करने के लिए ये भी स्टिकर्स दिया है, कार पे माउंट करके लटका के रखने के लिए। और ये भी, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टिकर्स, बस इतने सारे ही है बॉक्स के अंदर, और बाकी तो तुम लोगों ने देख ही लिया। ये रहा मोआनो का लिवियर माइक्रोफोन। ये जो माइक है वो GoPro के लिए बहुत ही बेस्ट है। इस माइक का जो रिव्यू, बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे हैं, जिसमें सभी का रिजल्ट बहुत काफ़ी अच्छा है, और ख़ास करके मैंने भी इससे पहले इस माइक को भी टेस्ट किया था अपने GoPro में। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है वॉइस में, जो बोया का जो M1 माइक है उससे काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर वॉइस है इसका। तुम्हें पहले अनबॉक्स करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या आता है। मोआनो बॉक्स खोलते हम लोग को एक माउस मिल जाता है, ये एक यूज़र मैनुअल, और एक इसके अंदर शायद कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कंपनी की तरफ से, और कुछ नहीं है अंदर, ये छोटा सा पाउच मोआनो लिखा हुआ है। पैकेट के अंदर कुछ है नहीं, और ये 2 मीटर का ये केबल जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, 2 मीटर का केबल, ये माइक इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है वायर का, और ये जो मेन चीज़ है ये दोनों क्लिप और ये एक TRS माइक अडाप्टर, ये जो है ना 2 पिन वाला, इसको TRS माइक कहा जाता है, जो कि GoPro में यूज होता है। ये जो 3.5 वाला जो जैक है, मतलब ये TRS माइक 3.5, और ये जो इसका अडाप्टर है TRS, इसमें डिफरेंस है। और GoPro में खास करके इसको ऐसे लगा के 3.5 माइक अडाप्टर में इसको ऐसे यूज करना पड़ेगा। अगर सिंपली आप लोग जस्ट इसके थ्रू, मतलब TRS के थ्रू आपका GoPro में आप लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा GoPro में, खास करके मोबाइल का पता नहीं, लेकिन GoPro में
नॉर्मली ये लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि आपका वॉइस पकड़ेगा ही नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे ये ऐसे TRS लगा के देन ये GoPro में लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका वॉइस आएगा। पहले मैं हेलमेट में ये जो माइक है मैं सेट करता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को उसका वॉइस टेस्ट करके बताता हूँ कैसा आता है ना आता है। सो फाइनली मैंने जो है अपना जो माइक है हेलमेट में सेट कर लिया है। अभी जस्ट तुम लोगों को डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग में डायरेक्ट तुम लोगों को टेस्ट करके बताएंगे कि माइक का वॉइस कैसा आ रहा है कि नहीं, कैसा साउंड है उसका, माइक का मतलब कैसा वॉइस, माइक कैसा वॉइस कैच कर रहा है, ये तुम लोगों को डायरेक्टली मोटो ब्लॉगिंग में तुम लोगों को पता चलेगा। मैं तुम लोगों को डिफरेंस Boya एंड M1 का, Boya एंड M1 का तुम लोगों को डिफरेंस बता दूंगा। पहले तुम लोग देख लो मैंने माइक कैसे सेट किया है। तो जो है माइक से ये मुझे समझ नहीं है ताकि ये वॉइस कैप्चर कर सके, और ये जो मतलब ये वॉशिंग कपड़ा है इसी के अंदर नीचे वायर है, तो वही से निकल के ये वाला 3.mm का जो ये TRS का जो एडाप्टर है ये सीधा मेरा माइक एडाप्टर में जाएगा। इसीलिए इसको ऐसे बाहर रखा है, इसको मतलब एडजस्ट करके जैसे जैसे उसका यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो सब कुछ रेडी करके मैं अपनी पैंथर को लेके निकल गया था। इतना अच्छे तरीके से मैंने इतना कॉन्फिडेंटली इतना कुछ बोला, बारिश में भी मैंने राइड किया, लेकिन सच बात बोलूं भाई बिल्कुल भी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आया यार, इतना गुस्सा आ रहा था ना खुद के ऊपर अभी जब रात को मैंने फुटेज देखा। गुड आफ्टरनून गाइस, सो अभी मैं आया हूँ रॉन्गटोन में, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ सागर के साथ, वो मेरा बाइक नहीं सागर के साथ, यानी सागर का एक्सप्रेस में आया हूँ। हीरो की तरफ से हीरो गुड लाइफ की तरफ से राइड था हीरो टूर से, तो हम लोग ने उसी राइड में आया था, इसलिए सोचा रॉन्गटोन का राइड था। अभी निकलने का टाइम हो भी गया है, अभी 2 बज रहे हैं। तो मैंने एक माइक लिया था 2 दिन पहले, तुम लोगों को पिछला वीडियो में पता चला होगा मैंने एक माउनो का एक माइक लिया था। माइक का क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया, बहुत मतलब बहुत बढ़िया है, लेकिन कल भी मैंने माइक का टेस्ट करने के लिए राइड पर निकला था, लेकिन तब क्या हुआ बिल्कुल भी वॉइस नहीं आया। वो कारण ये है कि ब्लॉगिंग करते समय मतलब कैमरा GoPro अगर ऑन रहता है, ऑन करने के बाद जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तब वो वॉइस पकड़ता है, लेकिन GoPro का जो एक रिकॉर्डिंग मोड है मतलब GoPro ऑफ रहते समय उसका अगर रिकॉर्डिंग मोड हम लोगों ने दबा दिया तो उससे क्या होगा, वो GoPro ऑटोमेटिक ऑन होके रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। उस टाइम पे ये मोनो माइक जो है वॉइस बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरा GoPro में नहीं है, मेरा दोस्त का यानी राजू का भी जो GoPro है GoPro Hero 5 Black उसमें भी ऐसा सेम दिक्कत है, GoPro Hero 7 में भी सेम दिक्कत है, पता नहीं क्यों। इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक बार दोबारा मैं अभी मोटो ब्लॉग करते हुए जाऊँगा, उसमें वॉइस तुम लोगों को बताऊँगा वॉइस कैसा है ना है, उसके बाद मैं इसको ये माइक को मोनो माइक को मैं रिफंड कर दूँगा। अच्छा लगा यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आके इन खूबसूरत वादियों में, तुम लोग देख ही रहे हो पीछे चारों ओर। सो अभी हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, इंजन जस्ट चाबी ऑन है हॉर्न मारने के लिए। सो आई होप कि अभी जो मेरा वॉइस मोनो माइक ले रहा है क्लियरली, तो लेना चाहिए उसे, बहुत 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 अच्छा लग रहा है यार। अभी थोड़ा सा ठंडा हवा लग रहा है, थोड़ा अगर और ऊपर चले जाते ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि हम लोग क्लाउड्स के अंदर हम लोग रहते, लेकिन ये क्या है ना ये उतना ऊपर नहीं है और ऊपर सूरज मामू बहुत गर्मी बरसा रहा है, इधर क्लाउडी वेदर है लेकिन फिर भी इतना गर्मी लग रहा है कि यहाँ भी पसीना छूट रहा है। लेकिन अभी बाइक पे हम लोग बैठ गए, अभी अच्छा लग रहा है। सो कल भी मैं ऐसे बस बाइक लेके निकल गया था कैमरा ऑफ करके, लेकिन क्या हुआ ना कैमरा ऑफ था मेरा तो रिकॉर्डिंग, नॉर्मली मैं हर बार रिकॉर्डिंग मोड में मैं वीडियो करता हूँ मोटो ब्लॉग करता हूँ जैसे सभी लोग करते हैं, सभी लोगों का पता नहीं बट मैं करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है मेरा बैटरी सेव होता है, और मेरे पास अभी भी मैं GoPro का सिंगल बैटरी अभी भी यूज़ कर रहा हूँ जो कि GoPro से मुझे मिला है, अभी भी मैंने ख़रीदा नहीं, ख़रीदना पड़ेगा लॉन्ग राइड्स के लिए। सो इसीलिए मैं वो मोड में मैं यूज़ करता हूँ, और जब भी मैं वो मोड ऑन करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ तो कल मैंने वही देखा मोनो माइक बिल्कुल भी मेरा वॉइस नहीं लिया,
इतना कुछ मैंने इतना कॉन्फिडेंटली इतना कुछ बोला राइड के दौरान, इतने स्पीड से बाइक भगाया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, डायरेक्ट म्यूट कर दिया ऐसा लग रहा है फुटेज में। कल मैंने भीग भीग के रेनकोट लेके गया नहीं था, मोबाइल को भी सेव नहीं किया था, जस्ट गोप्रो, तो गोप्रो नॉर्मली वाटरप्रूफ है, गोप्रो का कोई टेंशन नहीं था। कल मूड ऐसा ही था कि बस भीगना था और बारिश भी हो रहा था इसीलिए भीग रहा था। कल एक साथ मैंने दो ब्लॉक किया लेकिन दोनों ही बेकार हो गया क्योंकि माउनो ने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लिया। जब रात को मैंने फुटेज देखा तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि पूछो ही मत। ऑन द टाइम वो मुझे ही पता है कि कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, कोई कुछ भी होगा नहीं, इसलिए दोबारा से मैं अभी रॉन्ग टर्न आया हूँ तो अभी फुटेज मैं ले रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड साथ ही साथ इस वीडियो में कमेंट भी कर देना कैसा लगा ना लगा तुम लोगों को ये वीडियो। एंड जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, यानी अपने PS बाइकर को। एंड साथ ही साथ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID एंड फेसबुक पेज का लिंक भी दिया रहता है, तुम लोग चाहो तो लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। तो फिर अभी चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो पर।